से हमारे हुजूर बाबा साहब को भी रिवायती खतफ लगा के जिया भाई से गुजारिश है कि वो रिवायत को कहीं ना कहीं हमारे आने वाली जनरेशन जो है उनको एक हौसला मिल जाता है कि जब ये 10 दिन खत्म होंगे तो इनमें काफी और सपना मिल जाएगा। मुख्तलिफ जगहों से आए हुए ये नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे मेहमान और मेहमान आजादी से उनको दर्शन करते हुए, तो इसके बाद हमारे कोच जिन्होंने हाल ही में इंडिया टीम के लिए रिप्रेजेंट का ब्रेक जहां इन पे पावर सारा जो है प्रैक्टिस होता है, जैसे ये बीच में ये बच्ची गिरी कहीं ना कहीं इसका पावर जो है सही नहीं था, इसका ब्रेक पोजीशन सही नहीं था, यही वजह ये सारा टेक्निक बेसिक में सिखाया जाता है ताकि आने वाले दिनों में एक मजबूत और एक अच्छा प्लेयर बन सके। क्योंकि और मेरी भी गुजारिश है तमाम स्टूडेंट्स जो भी ट्रेनिंग से वो कोच इसकी बात को पूरी तरह सुने, और सलीम भाई और बाउद्दीन भी है तो उनके लिए भी तालीम से उनका स्वागत करें, क्योंकि अगले 24 घंटे में जो है ढक का एक बीमारी बच्चों के अंदर ज्यादा से ज्यादा दिखाया जा रहा है, तो कारण वही है कि हम सपोर्ट से नातालुक रहा है, इसलिए सपोर्ट के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहे। यही सपोर्ट एक वाहिद एक तरीका है कि इंसान बनाने का, क्योंकि मैंने पहले कहा ऑल राउंड डेवलपमेंट इसी सपोर्ट से मिलते हैं। आप लोग ये सीनियर खिलाड़ियों को पता होगा कि एक कैप्टन के अंदर पूरा कंट्रोल में उनको खेलना है, यूनिटी पैदा करना है, जुड़ाव पैदा करना है। हमारे इन यूसुस को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ऐसी कड़ाके की सर्दी के बावजूद हमारे यहाँ के कोच ने यहाँ पर ट्रेनिंग देने की कोशिश की ताकि हमारे बच्चे आगे खेल सकें। हमारे यहाँ पर विंटर में बहुत ही मुश्किलात का ये सामना करना पड़ता है क्योंकि यहाँ ज्यादा सर्दी होती है, इस टाइम शायद -30 ही होगा हमारे यहाँ का टेम्परेचर, और हमारे बच्चे ज्यादातर हर विंटर में घर से ज्यादा बाहर निकलने के लिए सिर्फ पढ़ने के लिए ही जा पाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ के ट्रेनर्स ने ये कोशिश की है कि यहाँ पर एक अच्छा सा ये चलाया जाए ऐसा कि कैंप चलाया जाए, इससे हमारे बच्चों को ये फायदा होता है कि विंटर्स में वो इन सारी गेम्स का मजा ले पाते हैं। और हमारे यहाँ पर जो ट्रेनर्स हैं वो नेशनल इंटरनेशनल खेल कर आ चुके हैं, जो आज हमें और इन छोटे बच्चों को वो कोशिश करते हैं कि आगे हमारे बच्चे नेशनल इंटरनेशनल तक खेलें। इस साल हमारे बच्चों की टीम भी है जिन्हें हमारे लोगों ने फोकस किया है, ताकि हम उनको पर थोड़ा फोकस करना चाहते हैं कि ताकि वो आगे जाकर नेशनल इंटरनेशनल खेलें। कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा ऐसा की रिंग जिसमें हम थोड़े हम अपने फंड में से देते हैं उसे इसका काम कंप्लीट नहीं हो पाता है। मैं सेक्टर लेवल पर भी बात कर चुकी हूँ ताकि हमारे यहाँ पर रूफिंग हो, रूफिंग के लिए एक आर्किटेक्ट की जरूरत है जो एक अच्छा सा इसका डिजाइन दे सके, ताकि एक अच्छा सा DPR सबमिट हो, जिससे हमारे डायरेक्टर साहब ने मुझे इंश्योर किया था पिछले साल की इसका रूफिंग भी करवाऊंगा और इस ग्राउंड को एक अच्छा ग्राउंड बनाकर दे दूंगा। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूं कि डायरेक्टर साहब मेरी इस मांग को पूरी करेंगे और आगे पूरी करने की मैं भी कोशिश करूंगी कि उनको बार बार याद दिलाऊंगी कि वो हमारे इस ग्राउंड को एक अच्छा सा ये दे दे, अच्छा सा ग्राउंड दे। जनाब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि हमारे द्रास के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज स्पोर्ट रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, इसके अलावा बहुत सारे शोबों में जो भी एक्टिविटीज होते हैं, आप बहुत बढ़िया तरीके से कवरेज करके इसका पब्लिसिटी जो है हर आम और खास तक पहुंचाते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो रहा सर ये ऐसा कि कोचिंग को लेकर, इससे पहले चुक्याल में चॉम्स की जानिब से एक रिक्वेस्ट आया हमें कि हमने कोचिंग करना है, तो उनको हमने 15 दिन का कोचिंग के लिए पूरा सामान हमने प्रोवाइड किया हमारे यूथ सर्वे एंड सपोर्ट्स की जानिब से, तो आज भी वहाँ चल रहा है, बहुत सारे बच्चों ने बहुत काफ़ी सीखा है, इंशाल्लाह आगे वो पार्टिसिपेट करने का के काबिल हुए हैं। तो यहाँ इस वक्त जो है हिमालयन सपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से एक रिक्वेस्ट आया हमें फिर से करगिल एसोसिएशन के साथ कोलेब्रेशन में,
10 दिन का ये कोचिंग कैंप कर रहे हैं। इसमें गर्ल्स प्लेयर्स और बॉयज प्लेयर्स अंडर 14, अंडर 17 और सीनियर भी यहाँ कोचिंग कर रहे हैं। तो उम्मीद है सर कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा माहौल जो है इस वक्त आइस हॉकी का द्राज में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे गांवों में डिविजनल लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर आइस हॉकी रिंग बनाए जा रहे हैं, बनाया हुआ भी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में जो है जो हमारे हाई लेवल के कॉम्पिटिशन्स होंगे, सीसी कप होंगे और एलजी कप होंगे, उनमें ज़रूर हमारे ये बच्चे जो है जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको उनका बाज़ाब्ता सिलेक्शन होगा और वहाँ इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करेंगे। उम्मीद है कि अच्छा अचीवमेंट रहेगा इनकी जानिब से, क्योंकि ये काफ़ी कोशिश करके यहाँ ये कोचिंग दे रहे हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया माहौल इस वक्त यहाँ इस ग्राउंड में देखने को मिल रहा है। यहाँ बिल्कुल बिगिनर से लेकर एडवांस प्लेयर देखने को मिल रहे हैं। जो हमारे बहुत सारे सीनियर ऐसे प्लेयर हैं जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर खेल कर आए हैं, वो भी इनको यहाँ कोचिंग प्रॉपर कोचिंग कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बच्चे आने वाले वक्त में इन फ्यूचर जो है ना अच्छा कारकर्दगी साबित होगा। ये पूरा यूटी गवर्नमेंट के तरफ से जबरदस्त कोशिश है कि हमारे द्रास के अंदर विंटर स्पोर्ट्स एकेडमिक खोलने का प्रोग्राम है सर। तो साथ ही यहाँ मनमन टॉप को सिलेक्ट किया गया है, उसका आइडेंटिफाई किया हुआ है, उसमें 300 कनाल जमीन भी के लिए भी अलॉटमेंट के लिए हमने लिखा हुआ है। तो कुछ सेंक्शन भी हुआ है वहाँ, चेयर लिफ्टिंग यानी कि गंडोला का दो फेसेस में वो बनेगा सर। वहाँ भी एक जबरदस्त सेंट्रल हीटिंग हॉस्टल बनेगा सर, याक शर्ट बनेगा सर और हरा शर्ट बनेगा, वो भी पूरा प्रोसेस में है सर। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उसका काम भी शुरू होगा, उसका भी डीपीआर बन चुका है सर, उसमें कम से कम 1200 करोड़ रुपए का सेंक्शन भी हो चुका है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो भी बनेगा। तो लगता है जब वहाँ हमारे विंटर एकेडमिक खोलेगा स्नो स्की और बाकी एक्टिविटीज के लिए, तो मुझे लगता है सर कि हमारे द्रास जो है स्विट्जरलैंड के करीब देखने को मिलेगा विंटर स्पोर्ट्स को लेकर आने वाले। सबसे पहले मेरा नाम मुहिब रहमान मीर है। मैंने रिसेंटली जो थाईलैंड में अंडर 20 इंटरनेशनल मैच खेल के आया हूँ मैं, और आते ही हमें ये कहा गया कि आप लोगों ने जितना सीखा है आगे पहुँचाना है उन्हें। तो हमने हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है हिमालयन स्पोर्ट्स क्लब, उन्होंने और डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन कारगिल कोलैबोरेशन के साथ यहाँ पे एक कोचिंग कैंप का आगाज हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जितने भी बच्चे हैं, जितने इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, उनको हम कोचिंग दे रहे हैं, जितना अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं इनके साथ। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस को हम कोचिंग कर रहे हैं। तो बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे बहुत 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 बच्चे आ रहे हैं। अभी यहाँ लगभग करीबन 30 से 35 बच्चे कोचिंग दे रहे हैं और अभी आ भी रहे हैं। तो इनको हम बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस में हमने डिवाइड कर रखा है। तो फर्स्ट शिफ्ट में हम बेसिक को सिखाते हैं, सेकंड शिफ्ट में इंटरमीडिएट को, और एडवांस शिफ्ट में जो इनको फुल हम जो गेम कैसे खेलना है, पोजीशंस क्या होता है, कैसे पक हैंडलिंग करना है, वो सारा कुछ सिखाते हैं। सर मेरा नाम फातिमा सौगरा है और मैं यहाँ कैंप ज्वाइन किया है मैंने, और माशाल्लाह से यहाँ पे कोच बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं। और प्रॉब्लम है हमारे पास सिर्फ एक चीज़ की, तो हमारी पर्सनल स्केट नहीं है, और अगर स्पोर्ट्स क्लब वाले हमें अपना पर्सनल स्केट दे तो इंशाल्लाह हम भी बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे और आगे जाके द्रास को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि नेशनल में या इंटरनेशनल में हो, वहाँ पे गर्ल्स मतलब अपना द्रास को रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी बहुत अच्छे से चल रहा है कोचिंग यहाँ पे, हम लोग मतलब बेसिक सिखा रहे हैं अभी हमें यहाँ पे। मेरा नाम जनीबा बानू है, मैं रामपुर से रहने वाली, और हम यहाँ दिनभर में आइस हॉकी कोचिंग लगाने आते, और अभी तक हम लोगों ने आइस हॉकी कोचिंग में ब्रेक लगाना और स्केटिंग करना सीखे, और हम जैसे ही आइस हॉकी कोचिंग खत्म होगा हम शायद लद्दाख में मैच खेलने जाएंगे। फिर हमें बेसिक सिखाया गया सर कि हमें क्या करना है बोल के, अगर
ये मैच इसमें मतलब कोचिंग का एक ही मकसद है कि लड़कियों को आगे रखा जाए और इंशाल्लाह आज तक कभी द्रास के गर्ल्स टीम नहीं बनाए और ना कि कभी कहीं बाहर पार्टिसिपेट किया है, तो इस साल हम ये जो 10 दिन का कोचिंग है वो करने के बाद ले जा रहे हैं कम्पीट करने के लिए। सबसे पहले आपका ग्रास ऑनलाइन का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे टाइम पे ऐसे वक्त पे मसरूफियत से हट के यहाँ पे पहुँचे आप लोग, इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आप लोगों का। बाकी तो देखो मुश्किल हर साइड से आते हैं, आप किसी भी काम को ले लो, किसी भी फील्ड में ले लो, प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अब अगर आपको फ्रेंकली अगर आपसे कहा जाए तो हमारा तो पैशन ही है यही, और बचपन से हम आइस हॉकी खेलते आए हैं तो हमें लगता है कि इस खेल को कहीं तक पहुंचाना चाहिए, जो चीज़ हम तक है हम दूसरों तक भी पहुंचाएं। और आज आपने देखा हमारे वुमेंस के एक टीम यहाँ पर तैयार हो गया है बिल्कुल, अभी आइस हॉकी सीसी कप में वो लोग रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, तो माशाल्लाह मेंस का तो लद्दाख में काफ़ी अच्छा बोलबाला है हमारे लड़कों का। और प्रॉब्लम्स के कहा जाए तो हमारे जैसे कि हमारे यहाँ पे रिंग्स की बहुत मेंटेनेंस में बहुत प्रॉब्लम है, रिंग मेंटेनेंस जैसे कि किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम आ जाता है वो ऐसे ही सरसरी सा काम करके निकल जाता है, और इस रिंग का अगर आपको बता दें तो ये रिंग लेवल में भी नहीं है, अगर आप यहाँ पानी छोड़ दे तो पानी पहले नीचे भर जाता है, यहाँ पहुँचता ही नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे बर्फ ला के फेंकना होता है, फिर नीचे हम लोगों ने प्लास्टिक्स वगैरह बिछाया, आप लोगों ने देखा है तो ये कोई करीबन हम लोगों ने 30-40 हज़ार का प्लास्टिक ला के फिर वो बिछा के फिर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे पानी लगा के रिंग बनाया। तो अभी अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ पे कोई अप्रोक्सीमेट 40+ बच्चे बच्चियाँ अभी तक आए हुए हैं। अब हमें ये उम्मीद है कि अगले नेक्स्ट ईयर तक शायद 12-13 लड़के जाएंगे यहाँ विंटर गेम्स को लेके। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जिसमें हमें हिमालयन स्पोर्ट्स एंड कल्चर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सपोर्ट मिलता है, तो अमीन सर जो है वो बहुत सपोर्ट करते हैं, तो उनकी मदद से हम लोगों ने अभी तैयार किया है नेशनल्स के लिए और सीसी कप के लिए।